बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद जहरीली शराब पीने से मौत का तांडव जारी है। छपरा में भाजपा जिलाध्यक्ष रामदयाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष रामदयाल शर्मा ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद शराब पीने से मौत की घटनाओं का सिलसिला बदस्तूर जारी है। हर बार स्थान और पीड़ित परिवार के चेहरे बदल जाते हैं। इस बार छपरा में जहरीली शराब पीने से लगातार 3 दिन से मौत का तांडव जारी है। अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ माह पूर्व भी छपरा में शराब पीने से 8 लोगों की मौत हुई थी। हर बार प्रशासन की ओर से जांच का आदेश दिया जाता है, लेकिन नतीजा सिर्फ कागजों में ही दबकर रह जाता है। शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ रही है। हर बार घटना के बाद कुछ गिरफ्तारी होती है। श्री शर्मा ने कहा कि बिहार में जहरीली शराब से करीब 70 से अधिक लोगों की मौत के बाद भी नीतीश कुमार सरकार शराबबंदी की अपनी नीति को लेकर जिस तरह अडिग नजर आ रही है, उससे यही स्पष्ट होता है कि वह यह बुनियादी बात समझने को तैयार नहीं कि दुनिया में कहीं भी शराबबंदी सफल नहीं हुई। इस पर हैरानी नहीं कि यह बिहार में भी नाकाम है। भले ही पुलिस प्रशासन शराब की अवैध बिक्री रोकने के लिए पूरा जोर लगाए रहता है, लेकिन सच यही है कि वह कहीं अधिक आसानी से उपलब्ध है। शराब की अवैध बिक्री के धंधे ने एक उद्योग का रूप ले लिया है और वह मांग पर वांछित स्थान पर पहुंचाई जा रही है। अशोक कुमार मेहता को इन लोगों को हम लोगों ने न्यायालय में 302 का मुकदमा दर्ज किया। जितनी भी यहाँ पहुँच है, लोग मर रहे हैं, मर रहे हैं, इनकी हत्या नीतीश कुमार उनके कैबिनेट के द्वारा किया जा रहा है। पूरे पहले से शराब का पूरा ड्रोन खाली होगा, जिसमें इनके प्रशासन के लोग मिले हुए हैं। हत्या का मामला दर्ज हुआ है, कुमार सिंह प्रवक्ता बीजेपी हत्या का मामला दर्ज हुआ है। हत्या का मामला दर्ज हुआ किन पर? नीतीश कुमार उनके कैबिनेट पर, जिसमें साइन किए हैं और तेजस्वी यादव। अभी आप देख रहे हैं गाजी चले गए, सेवाएं हो रही हैं। अभी हम लोग आ रहे हैं वहाँ से, हमारे वहाँ आए हैं। 20 दिन का बच्चा किसी के पास है, किसी का 2 महीने का बच्चा है, कोई देखने वाला नहीं है। और नीतीश जी बड़े हंसते कहते हैं कि जो शराब पिएगा वह मरेगा। क्या मांग करते हैं हम नीतीश जी से? मांग करते हैं कि आप यह जो शराब नीति बनाए हैं वह आप फेल्योर कर दिए, उसमें आप फेल्योर हैं, उस पर आप समीक्षा कीजिए। दूसरी बात कि आप वो भी शराब पी करके मरे हैं, उनको 4 लाख रुपया भी आप याद करिए। गोपालगंज में शराब पी के लोग मरे थे, तो आपने 4 लाख रुपया मुआवजा दिया था, फिर खगड़ा के लोगों को आप मुआवजा क्यों नहीं देंगे? अपना परिचय दें। रामदयाल शर्मा, जिला अध्यक्ष बीजेपी।